हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम ये फ्लावर बनाएंगे। देखिए, ये ब्लू कलर का है लेकिन बहुत ही सुंदर है और बहुत ही आसान है इसे बनाना। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पर येलो कलर का ऊल ली हूँ और ये क्रोशिया, और ये हमारा ऊल है, ये 4-ply का ऊल है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाए हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम यहाँ पे चैन लेंगे। फिंगर में इस तरह से लपेट लिए ऊल को। अब इस क्रोशिया को इस तरह से घुमाकर फिर इसके अंदर फंदे को डालेंगे और इसे खींचकर फिट कर देंगे, और इस तरह से एक नट तैयार हो गया। अब हम यहाँ पे 7 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 चैन लेने के बाद इसे यहाँ पर लास्ट वाले में सिंगल क्रोशिया से एक सर्कल इस तरह से बना लेंगे। देखिए, एक रिंग के जैसा बना लेंगे। अब यहाँ पे हम 1 2 चैन लेंगे, फिर से हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से इस तरह से सिंगल क्रोशिया से इसके अंदर हम 12 सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 हुआ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 बुन लिए। अब इसके बाद हम ये सबसे लास्ट वाला में सिंगल क्रोशिया से देखिए इस तरह से इसको फिट कर देंगे, और अब देखिए ये हमारा एक रिंग के जैसा बन गया। फिर यहाँ पे हम 1 और 2 चैन लेंगे। अब डबल क्रोशिया लेंगे और यहाँ पे फिर से हम डबल क्रोशिया से इसके अंदर ही डबल क्रोशिया हम 18 बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से हम यहाँ पे 18 बुन लेंगे। देखिए, ये हम 18 बुन लिए। अब ये हमारा थोड़ा मोटा जैसा हो गया, और अब ये लास्ट वाला में सिंगल क्रोशिया से इसको इस तरह से फिट कर देंगे। अब यहाँ पे फिर से हम 1 2 चैन लेंगे, 3 4 5 5 चैन लिए। अब डबल क्रोशिया से एक के बाद वाले दूसरे में इस साइड में यहाँ पे हम पीछे में इसका डबल क्रोशिया से 1 डबल क्रोशिया बुन लेंगे, फिर 1 2 चैन लेंगे, फिर से 1 ये वाला छोड़ेंगे, एक छोड़ने के बाद दूसरे वाले में फिर से हम डबल क्रोशिया बुन लेंगे, फिर से 1 2 चैन लेंगे और फिर 1 छोड़ेंगे, सेकेंड वाले में डबल क्रोशिया बुनेंगे, फिर से 1 2 चैन लिए, इसको छोड़े, अब इसमें डबल क्रोशिया से बुनेंगे, फिर 1 2 चैन लेंगे और फिर से इसको छोड़ेंगे, 1 2 ये वाले को इसमें डबल क्रोशिया बुन लेंगे। तो इस तरह से देखिए हम बुनेंगे, तो ये वाला चैन है ऊपर में आ जाएगा, जो देखने में बहुत अच्छा लगेगा।
फिर वन टू चैन और फिर से इसको छोड़ने के बाद ये वाले में एक एक फंदे को छोड़कर हम दूसरे वाले में डालेंगे दो चैन लेकर। तो इस तरह से यहाँ तक हम बुन लेंगे। अब ये लास्ट वाला में चैन के ऊपर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा इस तरह का रिंग बन के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया से फोर बुनना है, वन टू थ्री फोर। अब इसके बाद वाले में इसमें भी हमें फोर बुनना है, वन टू थ्री फोर। इसी तरह से हम ये पूरा सर्कल पूरा यहाँ तक एक एक चैन के अंदर फोर फोर सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। वन टू थ्री और ये फोर। आप देख रहे हैं इसी तरह से हम ये पूरा सर्कल यहाँ तक तैयार कर लेंगे। इसी तरह से बुनते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सिंगल क्रोशिया एक एक में फोर फोर डालेंगे, वन टू थ्री फोर, फिर से फोर, वन टू थ्री फोर सिंगल क्रोशिया। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा सर्कल इसी तरह से तैयार होगा फोर फोर का। ये हमारा टेन है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। अब सब में फोर फोर हमें बुनना है सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह का ये हमारा रिंग बनके तैयार होगा। लास्ट में यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया से इस सर्कल को फिट करेंगे। देखिए अब यहाँ पे हम लेंगे फाइव चैन, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव चैन लेंगे। अब यहाँ पे इस फंदे में हम वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव बुनना है हमें। फोर हो गया, वन टू थ्री फोर। अब इसमें डालना है, ये वाले में, इसमें वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव हो गया। अब इसको इस तरह से लाइन से सबको एक एक को बंद करेंगे। अब यहाँ पे हम फिर से वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर और अब इसमें फाइव, वन टू थ्री और ये फोर। तो देखिए इस तरह से बनेगा। फिर से हम यहाँ से शुरू करेंगे, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर, थ्री हुआ और यहाँ पे फोर। फिर से सिंगल क्रोशिया से इसको सारे फंदे को हम एक एक करके बंद करेंगे, वन टू थ्री फोर। देखिए इस तरह से बनेगा, वन टू हुआ। अभी एक लाइन और हमें बुनना है। तो फिर से इसमें हम इसी तरह से इस फंदे के अंदर क्रोशिया को बुनेंगे, वन टू थ्री हुआ फोर, वन टू थ्री फोर और अब ये वाले में फाइव, वन टू थ्री फोर। देखिए ऐसा वन टू थ्री, ये वाला लाइन थ्री होना चाहिए। अब यहाँ पे हम डालेंगे फिर से सिंगल क्रोशिया और इस फंदे से इसको
फिट करते जाएंगे, 1 2 3 लास्ट वाले इसमें 4। देखिए हमारा ये ऐसा बना। फिर से हम यहाँ पे चैन लेंगे 5, 1 2 3 4 5। फ्रेंड्स फिर से इसके जैसा ही यहाँ पर भी हम बुनेंगे, यहाँ पर भी फिर से इसके अंदर डालेंगे 1 2 3। 3 हुआ लेकिन एक पहले से हमारे पास था इसलिए 4 हो गया यहाँ। अब इस वाले में सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, 5 हुआ। अब सबको एक एक करके, एक एक करके, दो दो करके सारे फंदे को हम निकाल लेंगे। देखिए फिर से फ्रेंड्स यहाँ पे हमको डालना है 1 2 3 और एक पहले से था 4 और अभी इसके अंदर इसके बाद वाले में 5। फिर से फंदे को सारे को बंद करेंगे इसी तरह से जैसे पहले हम पहले से करते आ रहे हैं, इसी तरह से सारे फंदे को बंद करेंगे। फिर से हम इसके अंदर ही बुनेंगे 1 2 3 और ये पहले से एक था 4 और अब यहाँ पे एक डालना है इसके बाद में यहाँ पे, तो ये हो गया 5। फिर से सारे फंदे को एक एक करके, एक एक करके सारे फंदे को हम बंद कर देंगे। 1 2 हुआ, यहाँ पे हमारा है 1 2 3, 1 2 हुआ तो एक बार और हमें बनाना है 1 2 3, पहले से एक था 4 और इसमें बुने तो 5। 1 2 3 4। अब फिर से लास्ट वाले में सिंगल क्रोशिया से इस तरह से फंदे में बुनते हुए आगे जाना है और फंदे को हमें बंद करते हुए जाना है। देखिए 3 और ये लास्ट वाला यहाँ पे 4। तो आप देख रहे हैं इस तरह से हमारा ये फ्लावर का बनेगा और इसी तरह से जैसे ये दोनों बनाए ये पूरा सर्कल हम बुन लेंगे। फ्रेंड्स देखिए ये हमारा लास्ट तक हो गया, लास्ट में भी वैसे ही बनाएंगे जैसे पहले से हम लोग बुनते आए हैं। फिर इसको सिंगल क्रोशिया से निकालेंगे और अब इस ऊल को हम कट कर लेंगे। पीछे से इसके धागा को, ऊल को पीछे लेके फिट करेंगे और जो एक्स्ट्रा बचेगा उसे हम कट करके निकाल देंगे। देखिए ये कितना सुंदर सा हमारा फ्लावर बनके तैयार हो गया। बुनने के समय थोड़ा ये टेढ़ा हो जाता है, बाद में हम इसको फिट करके अच्छे से इसको सीधा कर सकते हैं। तो देखिए अब ये हमारा कितना सुंदर सा बन गया। फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलेंगे हम दूसरे वीडियो में और नए डिज़ाइन के साथ।
थैंक यू सो मच।